राजकुमारी अनास्तासिया भाग 3। तंजोंगा में ये सबसे सर्वोत्तम समय चल रहा था, शांति समृद्धि और खुशहाली का। ये देश समृद्ध था लोगों की सद्गुणों और दया से। जैसा राजा था वैसी ही प्रजा भी थी। राजा रुबिन अथक प्रयास करता अपने नागरिकों की सुख शांति और खुशहाली के लिए। जबकि तंजोंगा के लोग समृद्ध और खुशहाल हो रहे थे, इसी बीच लुशबर्ग के लोग बेहाल थे। और उस दिन एक संदेश वाहक यही समाचार लेकर राजा रुबिन के पास आया था। क्या कहा, सभी फसल सूख गई है। लुशबर्ग इस पूरी धरती पर सबसे उपजाऊ और हरा भरा प्रदेश है। पिछले एक महीने से हर बार जब हमने कोशिश की फसल उगाने की, फल और सब्जियां उगाने की, किसी तरह उनमें आग लग जाती है और कई एकड़ खेत इसी चपेट में तबाह हो जाते हैं। पहले तो हमने सोचा कि ये किसी के बुरे काम के कारण है, पर जब हम सबने अपने खेतों पर पहरा देना शुरू किया तो हमने एक अजीब बात पर गौर किया कि जैसे ही हमारी फसलें गुड़ाई के लिए तैयार होती वो अचानक मुरझा जाती और उनमें आग लग जाती। अब तो शाही खजाना भी बिल्कुल खाली हो गया है और लोग भूखे हैं और मर रहे हैं। मैं आपके पास आया हूँ हाथ जोड़े हुए और राजा होल्जर की ये विनती लेकर कि इस आपदा के समय हमारी मदद करें। बेशक मैं राजा होल्जर की मदद करूँगा। तुम्हारे राज्य ने बहुत से पड़ोसी राज्यों की मदद की है उनकी जरूरत के समय में। और इसीलिए राजा रुबिन ने दर्जनों गाड़ियों में भेजे गेहूं, अनाज, फल, सब्जियां और बहुत सी दूसरी जरूरत की चीजें। पर जैसे ही वो गाड़ियां लुशबर्ग की सीमाओं में दाखिल हुई, अचानक गेहूं और अनाज के बोरों में आग लग गई। भागो, आग, आग, भागो। दुखी लुशबर्ग के लोगों की आंखों से उम्मीदें गायब हो गईं। क्या ये नामुमकिन है? महाराज, समय आ गया है कि हम उसे बुलाएं। सिपाहियों, मेरी बेटी से कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सुपर आसिया, सुपर आसिया, सुपर आसिया, सुपर आसिया। हैया। सुपर आसिया, सुपर आसिया, सुपर आसिया। फिर कभी तंजोंगा में दाखिल मत होना। क्षमा करना, क्षमा करना। राजा आपसे एक बहुत जरूरी काम से मिलना चाहते हैं। वाह, उसे जाते हुए देखो। पिताजी, क्या आपने मुझे बुलवाया? आना, हाँ। एक बहुत ही अजीब सा मामला आ खड़ा हुआ है। राजा रुबिन ने अनास्तासिया को लुशबर्ग के दुर्भाग्य के बारे में सब कुछ बता दिया। लुशबर्ग जो धरती पर सबसे उपजाऊ जमीन है। मैं भी सकते में हूँ। और आप चाहते कि मैं पता लगाऊं कि ये क्या हो रहा है? हाँ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनके जरूरत के समय उनकी मदद करो। मैं समझ गए पिताजी, मैं तुरंत निकल पड़ूंगी। और इस तरह राजकुमारी अनास्तासिया लुशबर्ग की तरफ निकल पड़ी। और जब वो उस घने जंगल से घोड़ों से निकल रही थी, अचानक खूंखार दांतों वाला बाघ अपने पूरे सबाबे दहाड़ते हुए उसके सामने प्रकट हुआ। क्या तुम लोग बहुत समय पहले लुप्त नहीं हो गए थे? बेशक, मैं बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। रानी उर्सा। मिरियाना, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? टियारा लैंड कैसा है? सब ठीक है, परियां अवश्य तुम्हें याद करती है। क्या तुम लुशबर्ग को उनकी कठिनाइयों से नहीं निकालोगी? तुम्हें आकर हमसे मिलना चाहिए। आप लुशबर्ग के बारे में जानती हैं? हाँ, इसीलिए मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। लुशबर्ग की आत्मा पर श्राप है ना, उस देश में कोई भी भोजन नहीं उगेगा। यदि लोग फसलें उगाएंगे या बाहर से लाने की कोशिश करेंगे तो ये जल उठेगा। श्रापित किसके द्वारा?
और बेले चुड़ैल द्वारा, जो संसार की सबसे शक्तिशाली चुड़ैलों में से एक है। पर मैं हैरान हूँ, उसने ऐसा कभी नहीं किया। शायद वो लालची हो गई हो इसीलिए। मैं भी यही सोचती हूँ, और यही मामला है जो हमें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आज ये लूशबर्ग है तो कल तियारा और तंजोगा भी हो सकता है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इसीलिए तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। आप क्या सुझाव देती है, मैं क्या करूं? तुम्हें चुड़ैल के पास जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रही है। चुड़ैल एराबेल एक गुफा में रहती है जो कि नानकीज द्वीप में स्थित है, जिसका पहरा राक्षस देते हैं और स्वचालित चुड़ैलें जो उसकी सेना बनी हुई है। वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें 7 समुद्र पार करने होंगे, और उससे पार ये जो द्वीप है पूर्व दक्षिण दिशा में है। आज नए चांद का दिन है, ये माकूल समय होगा तुम्हारे लिए कि तुम इन राक्षसों के भीतर से गुजर सको, क्योंकि वो आलस में पड़े होंगे। अब एक बार जब तुम राक्षसों से गुजर जाओ, तब जल्दी मत करना, क्योंकि पहाड़ों की इस चुड़ैल के पास रात में देखने की शक्ति होती है। रात के समय वो अपने प्रदेश में घूमती है, तो गुफा के नजदीक तुम्हें उस बड़े बरगद के पेड़ की शरण लेनी होगी, जो तुम्हें स्वचालित चुड़ैलों की नजरों से दूर रख सकेगा। और चुड़ैलें अपनी झाड़ू की छड़ी पर आसमान में उड़ जाती हैं, तभी तुम गुफा की तरफ बढ़ोगी। ओ, तुम्हें एक साथी की जरूरत होगी जो 7 समुद्र पार में तुम्हारी मदद करे। वाओ, वाओ, एक अर्जुन ट्रैविस। वो तुम्हें द्वीप के किनारे छोड़ देगा राक्षसों की नजरों से दूर। वहाँ से तुम बस अपने बल पर हो। धन्यवाद परी रानी। तुम्हारे शुक्रिया ना। चुड़ैल एराबेल का प्राण उसके सिर की परछाई में बसता है। यदि हालत बहुत बिगड़े तो याद रखना, तुम्हें उस पर आक्रमण करना होगा। मैं इसे अपने दिमाग में रखूंगी। मेरी शुभकामनाएं। चलो अर्जुन ट्रैविस। धन्यवाद अर्जुन ट्रैविस। वो रहे वो। अनास्तासिया उन आलसी राक्षसों को छोड़कर आगे बढ़ी और उस बड़े बरगद के पेड़ के पास आ गई, जहां वो रुकी और बैठ गई। बेहतर होगा मैं अपनी आंखें खुली रखूं। अनास्तासिया ने पूरी रात इंतजार किया बिना अपनी आंखें झपकाए। जब सूर्य उगा, स्वचालित चुड़ैल अपने झाड़ू की छड़ पर चढ़ी और आसमान में उड़ गई और एक घेरा बनाकर गुफा के आसपास मंडराने लगी। खैर, अब मुझे अपनी चाल चलनी होगी। और जैसे ही वो जल्दी जल्दी गुफा की ओर बढ़ने लगी, वो एक सूखे पत्ते के ढेर पर चढ़ गई, जो उसके जूतों के नीचे चरमराए और एक खास आवाज निकली। क्या ये कौन है जो मेरी चुड़ैलों को तबाह कर रहा है? मैं उसे खत्म कर दूंगी। हाया। हाया। बहुत ही बढ़िया, तुम एक शानदार योद्धा हो, पर तुम मेरे साथ नहीं लड़ी हो। हाया। हाँ? वो बहुत ताकतवर है, मुझे छांव में खड़े होना चाहिए। हाँ? तुम कौन हो? लोग मुझे सुपर एचा कहते हैं। मैं तंजुगा की राजकुमारी हूँ और मासूम लोगों की रक्षक। बहुत खूब, सुपर एशिया।
पर मैं क्या पूछ सकती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो मुझसे लड़ाई मोल लेने के लिए? तुमने लश्पक के देश को श्राप दिया है, मैं चाहती हूँ तुम उसे वापस लो। ओह, लगता है तुम लूशबक की हमदर्द हो, मैं देख रही हूँ। खैर, मेरा सुझाव है कि तुम वापस चली जाओ, क्योंकि लूशबक को वही मिला है जिसका वो हकदार है। किसी भी राज्य को दुख में रहने का हक नहीं है, श्राप को हटा लो वरना मुझे इसका अंत तुम्हारे साथ करना होगा। ओह, ये तो नहीं होगा। क्या तुम आग से छेड़खानी कर सकती हो? मैं फिर से तुमसे कह रही हूँ, श्राप हटा दो वरना। तुम मुझे डरा नहीं सकती सुपर एशिया। अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। लूशबक को छोड़ो, अब मैं तुम्हारे राज्य की तरफ ही आऊंगी। और अपने आंखों से ज्वाला निकालती हुई चुड़ैल अरबेले ने अनास्तासिया की ओर हमला किया। ये भूल गई कि वो छाया से बाहर आ गई है और उसके ऊपर सूर्य तेज चमक रहा है। उसकी परछाई अब पूरी तरह खतरे में आ गई थी। अनास्तासिया ने फुर्ती से इस मौके को पकड़ लिया और इस घातक वार से अरबेले जमीन पर धाराशायी हो गई। अनास्तासिया उसकी तरफ चल कर गई। तो परी उर्सा ने मेरे रहस्य के बारे में तुम्हें बता दिया क्योंकि वही इस पूरे संसार में मेरी इस कमजोरी के बारे में जानती थी। क्या तुम सचमुच ये जानना चाहती हो कि मैंने लूशबक को ये श्राप क्यों दिया? खैर, उनके राजा होलगर ने मेरे बेटे को मार डाला। क्या, वो ऐसा क्यों करेगा? मुझे कैसे मालूम, शायद इसीलिए कि वो एक चुड़ैल का बेटा है। सिर्फ मैं इतना ही जानती हूँ कि मेरा बेटा नदी से पानी पी रहा था और राजा ने उसे एक तीर से मार डाला और बिना ये देखे कि उसने किसे मार गिराया है। इस संसार में माँ की पीड़ा अपने बेटे को खोने पर सबसे असहनीय होती है। मैं गुस्से से तमतमा रही हूँ, इसीलिए मैंने उसके राज्य को श्राप दिया। मुझे बहुत अफसोस है, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे हराने में कामयाब हो जाओगी। पर तुम एक शक्तिशाली योद्धा हो, कभी बदलना नहीं। अनास्तासिया वहाँ बैठी रही, उसके अंदर वो मजबूत व्यक्तित्व टूट गया और वो अरबेले की लाश के पास बैठकर सिसकती रही, जो थोड़ी देर के बाद हवा में उड़ गई एक बहुत ही चमकदारी चिंगारी बनकर। और जैसे ही ये हुआ, वहाँ लुशबर्ग में एक अचानक परिवर्तन हुआ। देखो, वो फसलें, वो वापस उग गई और वृक्षों पर फल भी आ गए हैं। लुशबर्ग की हरियाली बहाल हो गई, जिसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि आना सफल हो गई। राज्य की खुशहाली को वापस आते देखकर खुशियों से भरकर भीड़ जय जयकार करने लगी। हमारा देश फिर से उपजाऊ हो गया, हमारा देश फिर से उपजाऊ हो गया। देखा, मैंने कहा था होल्जर, ऐसा कुछ नहीं जो मेरी बेटी नहीं कर सकती। असल में ऐसा कुछ नहीं है जो बेटियां नहीं कर सकती। और उसी क्षण अर्जेंटिव जमीन पर उतरा, अनास्तासिया उस पर चढ़ी और उड़ गई। धन्यवाद अर्जेंटाविस, वाओ। हे, देखो, वो हमें बचाने वाली राजकुमारी अनास्तासिया। सुपर आसिया, सुपर आसिया, सुपर आसिया। स्वागत है अनास्तासिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए जो। मैं किसी अपराधी का धन्यवाद नहीं चाहती। क्या अनास्तासिया, ये क्या कह रही हो? पिताजी, क्या आप जानते हैं कि आखिर ये सब क्यों हुआ? इस राजा होजो की वजह से इसने चुड़ैल अरबेले के बेटे को मार डाला था और इसलिए उसने इस राज्य को श्राप दिया। ओह नहीं, कभी नहीं, मैं कभी किसी निर्दोष को नहीं मारूंगा।
क्या आपको याद नहीं कि आप डारना की जंगल में शिकार के लिए गए थे? ओ हाँ, मुझे याद है, मैं वहाँ गया था पर मैंने किसी इंसान को नहीं मारा। मैं वहाँ शिकार करने गया था पर वहाँ शिकार करने योग्य कुछ नहीं मिला, तो मैंने नदी पर बिना निशाना लगाए तीर चलाए, क्योंकि यही रिवाज है कि एक राजा के लिए कि वो शिकार से एक भी बाण चलाए बिना वापस आए। बस यही हुआ था, मैंने किसी को नहीं मारा। अपने तीर छोड़ने के बाद मैं अपने आदमियों के साथ वापस लौटा और इस जंगल को छोड़ दिया। खैर, जानते हो क्या हुआ? तुम्हारा तीर चुड़ैल के बेटे को लगा। मुझे क्षमा करना आना, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आज से मैं वादा करता हूं कि मैं कभी शिकार पर नहीं जाऊंगा, और मैं ये भी घोषणा करता हूं कि मेरे राज्य में कोई भी ऐसा नहीं करेगा। आना, राजा को क्षमा कर दो, ये गलती थी। मेरे ख्याल से तुम सही हो, मैं तुम्हारा धन्यवाद स्वीकार करती हूँ। और इस तरह अनास्तासिया अपने पिता के साथ एक खुशहाल लुशबर्ग को छोड़कर अपने राज्य तंजोंगा में वापस लौटी। पर ये मत सोचिए कि ये अंत है, क्योंकि सुपर आसिया की और साहसिक यात्राएं जल्द ही आने वाली हैं।